बैग ले लेके अभी प्लेटफॉर्म जा रहे हैं अपने, 9 बजे की ट्रेन है हमारी। तो राम राम जी, नमस्कार गाइस, स्वागत है सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। ये एक बड़ा ब्लॉग मेरा तकरीबन 10 से 12 दिन बाद आता हुआ, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा अपने मिनी ब्लॉग्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग गया था। तो गाइस, जैसे मैंने कल एक मिनी ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मैं कल जाके अपनी जो हमने गाड़ी दी थी सर्विस सेंटर पर, क्योंकि उसमें डेंट और स्क्रैच पड़ गए थे, तो कल हम जाके उस गाड़ी को तो ले आए, लेकिन काफ़ी सारा सामान ऐसा था उस गाड़ी का जो कि अभी हमारे पास ही पड़ा हुआ है, जो कि उस गाड़ी के अंदर हमें रखना है। ठीक है जी, पूरी एक तरह से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नई गाड़ी भेजी हो हमें, बिल्कुल चमका चमकू के। तो ये देखिए गाइस, इस बड़ी सी पन्नी में ये जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये सारा हमारी गाड़ी का ही है। जैसे ये कवर हो गया, उसके अंदर जो है बैग के अंदर टिश्यू वगैरह होंगे, कार परफ्यूम होगा, ब्रश व्रश था। तो अभी चलते हैं गाइस, इसको अपनी गाड़ी के अंदर रख के आते हैं। तो कल के मिनी ब्लॉग में एक क्लिप ये भी थी कि हम तीनों जा रहे हैं गाइस उज्जैन, महाकालेश्वर, महाकाल की नगरी। उसके ब्लॉग भी एकदम तगड़े तगड़े आएंगे, मिनी ब्लॉग्स भी आएंगे, बड़े बड़े ब्लॉग्स भी आएंगे, काफी सारी जगह हम घूमेंगे, बढ़िया और मौज मस्ती करेंगे। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो ब्लॉग्स हमारे जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, लगभग सारी पैकिंग हमने कल रात को कर ली थी, बाकी जो छोटी मोटी चीज है वो हम आज रख लेंगे। सारा सामान लेके अपनी पार्किंग में तो पहुंच चुके हैं। ये देखो गाइस, ये रही हमारी नेक्सॉन, प्यारी सी एकदम चमचमाती हुई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नई गाड़ी आई हो। इसकी रबिंग वबिंग पॉलिशिंग सब हुई है। ये सारा सामान इसके अंदर डाल देते हैं। इस गेट पे भी था पूरा लंबा सा स्क्रैच सा, यहाँ से देखो पूरे यहाँ तक पूरा स्क्रैच स्क्रैच था, अब पूरा बढ़िया तरह से रिपेयर हो चुका है इस गाड़ी की। साथ ही साथ हमने रबिंग भी करवा दी थी, तो इस वजह से जहाँ भी थोड़े मोड़े स्क्रैच भी अगर होंगे अब वो भी ठीक हो गए। A few moments later. तो गाइस अभी देखो जी, शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। एक बैग हीरा और एक बैग हमारा उस कमरे में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अभी हमारी रात की 9 बजे की ट्रेन है, घर से तकरीबन 7 बजे के आसपास, 7:15 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे। खाना वाना हम घर से खा के जाएंगे, जैसे कभी वहाँ बोरियत वगैरह हो, एयरपोर्ट वगैरह जो है चार्ज कर रहे हैं, मम्मी ने तो कर लिया, मैं भी कर रहा हूँ। ओ मम्मी, खाना बना दिया? खाना तो बन गया। क्या बनाया? दाल चावल। दाल चावल, पापा के लिए पराठे। पापा दाल चावल नहीं खाए? गर्मी तो है यार, गर्मी ने तो दिमाग ही खराब कर रखा है गर्मी का। तो मम्मी ने खाना बना ही दिया, दाल चावल बनाया मम्मी ने मेरे कहने पे दोबारा से। ये भी लगभग पूरा भरा पड़ा है, इसमें थोड़ी बहुत जगह खाली है, और वो वाला बैग तो 1 इंच जगह में खलना है, 1 इंच। 2000 years later. ये देखिए गाइस, तो भाई फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, बैग ले लेके अभी प्लेटफॉर्म जा रहे हैं अपने। अभी हमारी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, 9 बजे की ट्रेन है हमारी, अपने प्लेटफॉर्म पे तो आ चुके हैं हम। ये देखो, ये मम्मी पापा और मैं, तो भैया ये 2000 years later पहुँच चुके हैं गाइस ट्रेन में बैठ के। सिर्फ 3 मिनट का स्टॉप था बकबक के पकड़ी, पहले थोड़ी कंफ्यूज हो गए थे हम, लेकिन पकड़ ही ली। सुबह 11:30 बजे के आसपास पहुंचेगी है उज्जैन। कमरा वगैरह हमारा पहले ही बुक है, मतलब बैठ चुके हैं। हाँ, बाकी अभी मैं सोऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना ही वाला जो तुम देखोगे। ठीक है, अभी भी कोई आ रहा है, सिस्टम है। तो भैया आज का ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो भैया आज का ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे सीधा सुबह उज्जैन के अंदर। ठीक है, राम राम।